नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। रॉबर्ट्सगंज, भाजपा बूथ अध्यक्ष अमरनाथ पनिका का गुरमा चौकी इंचार्ज द्वारा उत्पीड़न किए जाने व अभद्रता का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता ने 54 बैरियर पर वाराणसी शक्तिनगर मार्ग को लगभग आधे घंटे तक जाम कर दिया। चक्का जाम खुलवाने पहुंचे क्षेत्राधिकारी राजकुमार त्रिपाठी ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और कार्यवाही का आश्वासन देकर भाजपा नेताओं के साथ थाने पर चले गए, परंतु भाजपा नेता तत्काल कार्यवाही की मांग को लेकर चौपन थाने पर ही नारीबाजी करने लगे। मामला बढ़ते देख सीओ द्वारा चौकी इंचार्ज गुरमा सतीश कुमार सिंह को तत्काल लाइन हाजिर करने की जानकारी पर भाजपाई शांत हुए। सीओ ने मामले की जांच कराने का भी आश्वासन दिया। धरने का नेतृत्व जिला विस्तारक सुरेंद्र मिश्र, संजीव तिवारी चौपन मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह, डाला मंडल अध्यक्ष दीपक दुबे, धर्मेंद्र जायसवाल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार बनेगी आप लोग सोचिए क्या होगा आगे फिर। अरे यार सर करो वही बात अब वही बात आता रहेगा। ऐसे सर विश्वास करोगा कहाँ रहता है? हेलो सरकार नहीं बनेगी। हेलो मूल रूप से बहुत भाई साहब क्या मामला है ये आप लोग सड़क जाम किए हुए हैं? मामला ये है कि भाजपा की सरकार में भाजपा के कार्यकर्ता ही पुलिस के द्वारा पीटे और सताए जा रहे हैं। ये नित्य की बात है। आज हम लोग बहुत ही मजबूर और व्यथित होकर आज ये नौबत हम लोगों को करना पड़ा है। मामला क्या है? मामला ये है कि चौकी इंचार्ज गुरमा, चौपन थाना है, चौकी गुरमा है, वहाँ का चौकी इंचार्ज हमारा बूथ अध्यक्ष बैंक से पैसा निकालने जाता है। पैसा निकाल के जैसे ही बाहर निकलता है वहाँ चौकी इंचार्ज पहुँचते हैं और लातों लात लात से ही मारने लगते हैं बूट से अपने और गाली गलौज करने लगते हैं। भोसड़ी वाले यहाँ कैसे आ गए, बाहर निकलो, ये करो। माने हमारे बूथ अध्यक्ष के साथ, हमारे मंडल अध्यक्ष के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जब पुलिस इस तरह की रवैया कर रही है तो आम जनता के साथ क्या करती होगी? फिलहाल में हम जो अभी रोड पे बैठे हैं, रोड पे बैठने के पूरी श्रेय नवीन तिवारी चौपन थाना को जा रहा है। हम लोग बहुत शालीनता से गए हैं और एसओ महोदय से हम लोग बात कर रहे थे। बात करने के बाद हम लोग यही कहे कि महोदय हमारे ओबरा विधानसभा के प्रभारी जी हैं और साफ कर दिया हमको आप लोगों से बात करने का अभी कोई समय नहीं है और हम लोग आप लोगों से बात नहीं करेंगे। तब बाध्य होकर मजबूरन आज हम लोग ऐसा है कि चौपन थाना से लेके इस जनपद के तमाम थाना अध्यक्षों द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, उनके गुर्गे जो सिपाही हैं इनके द्वारा थाना चलाया जा रहा है। इसलिए आज ये कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का शोषण हो रहा है। जब थाना अध्यक्ष स्वयं थाना चलाने लगेंगे तो कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ होगा। थाना अध्यक्ष मस्ती में व्यस्त है, इनके दो दो सिपाही, तीन तीन सिपाही थाना चलाते हैं। पूरे जनपद के अधिकांश थानों की यही हालत है। खबर समय जगत के लिए रॉबर्ट्सगंज से उमाकांत मिश्र की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।